हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2018 का 30 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने जो है तीन एग्ज़ाम जो है आपको सॉल्यूशन करा दी हैं, तो उनको जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड, ये केवल ओनली सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन तो आपको मिल गए हैं, पीडीएफ है, तो एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ साथ उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इतने भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं उन क्वेश्चन को हम निकालते हैं। और आगे क्या होता है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एग्ज़ाम में जो है ऐसे क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। तो आपकी जो क्या हो जाती है, एक प्रैक्टिस हो जाती है और आपको एक नॉलेज मिल जाती है कि इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है इनमें से जो है इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, कभी ऐसा नहीं होता कि टॉपिक चेंज हो जाए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, अगर आपसे जीके पूछा जा रहा है, ओके, तो एमपी का ही जीके पूछा जा रहा है तो एमपी का जीके ही पूछा जाएगा, ठीक है। और जो इंडिया का भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। काफ़ी जो है अगर एमपी का पूछा जाए तो बहुत अच्छा लेवल का पूछ सकते हैं, लेकिन अगर ऑल इंडिया लेवल पे पूछते हैं तो वो ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं, ठीक है। ओके, तो हम यही बात कर रहे हैं, आगे चलेंगे इस वीडियो को, हम इसमें क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, ओके। और आपको ये भी बताना है इस क्वेश्चन का पहला, आपको कभी देखिए ऐसा है, अगर आप एग्जाम जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन जो है मैं पूछूंगा, तो आपको बताना है HRD मिनिस्टर कौन है। और अभी भी जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्यों थे ये भी आपको पता होगा, ठीक है। HRD मिनिस्टर के बारे में बताना है आपको, ये कौन है, ठीक है। तो अभी आगे क्वेश्चन है, इन्हें घोषणा की कि भारत की 2 सबसे लोकप्रिय प्रातियों जो है प्रतियोगिता जो है परीक्षाएं ऐसे की हुई, JEE हुई और नीट हुई, ठीक है, निम्न द्वारा आयोजित की जाती है, यानी कि JEE और नीट जो है परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है। तो ये जो है आयोजित की जाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमें पूछा है, तुमकुर जिले के सूखा प्रभावी पावागढ़ क्षेत्र में 200 मेगावाट जो है कि कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल सौर पार्क का उद्घाटन हुआ, जो कि किस राज्य में किया गया। तो चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर होगा ये जो पड़ेगा कर्नाटक में, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन जो है एमपी से रिलेटेड है, तो हम एमपी से रिलेटेड है तो इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, ओके। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। तो पहली चीज़, तो अभी तक 32 बार जो है मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, 32 बार मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, और अनुच्छेद नंबर 164 में मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है सीट दी जाती है, या फिर उसको पद दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, शपथ दिलाने का, ठीक है। अगर हम बात करें एमपी का गठन कब हुआ था, तो एमपी का गठन बहुत सिंपल है, आपको याद भी होगा, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उसमें से सन 2000 में जो है छत्तीसगढ़ अलग हो गया हमसे, ठीक है। और जब अभी अगर बात विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर सीटें कितनी हैं, 230 सीटें हैं, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा ब्यौरा था मेरी तरफ से। अगर हम बात करें पहले मुख्यमंत्री कौन थे 1956 से, 1 नवंबर 1956 से लेकर 31 दिसंबर, कब तक, 31 दिसंबर 1956 तक, ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रहते, बस सिर्फ 1 महीने रहे थे। तो वो कौन थे, वह थे रविशंकर शुक्ल, पहले हमारे रविशंकर शुक्ल जो थे, पंडित रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री थे, जो कि सिर्फ 1 महीने रहे थे, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे मुख्यमंत्री जो थे, वो कहते भगवत राव, ठीक है, भगवत राव जो थे वो सेकेंड नंबर के जो थे मुख्यमंत्री थे, जो कि ऐसी 56 से बात करें, 56 से लेकर 57 तक रहे, ठीक है, 57 तक, वो भी 1 महीने तक रहे, ठीक है, 30 जनवरी तक रहे, 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक रहे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड वाले जो हमसे पूछे गए हैं, वह इनका नाम है कैलाश नाथ काटूज, ठीक है, कैलाश नाथ काटूज जो रहे वो रहे तीसरे जो रहे वो रहे 31 जनवरी से लेकर, कब से, 31 जनवरी 1980
1957 से लेकर 1962 तक, ठीक कब तक रहे, 1962 तक ये जो है मुख्यमंत्री बने रहे, ठीक है। ओके तो यहाँ पर आपको बता दूँ, अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अभी भी लास्ट में जो रहे, अभी देखिए अभी तो 32वें नंबर के शिवराज सिंह चौहान हो गए हैं, लेकिन 31वें नंबर के इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए, ये कमलनाथ हैं, ठीक है। कमलनाथ जी ने दिसंबर 2018 में जो है, यानी कि 17/12/2018 में जो है ये आए थे, और 20 मार्च 2020 को इनकी जो इन्होंने जो है ये इस पद से हट गए, ठीक है। पूरा आपका कार्यकाल इन्होंने नहीं किया है। और बात करें 8/12/2003 में अगर बात करें हमें, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, मध्य प्रदेश की पहली और आखिरी अभी तक की जो है महिला मुख्यमंत्री कौन है और कब से कब तक रहीं, तो इनका नाम है उमा भारती, जो कि 8/12/2003 से रही थी और रही कब तक, 23/8/2004 तक, ठीक है। तो ये आपको एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, और कई एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक शासकीय लोक नृत्य है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो घूमर तो आपको बताया कि भाई कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है। अब जो है मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कुछ होते हैं इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि है बधई नृत्य है, कनगड़ा नृत्य है, लहंगी है बार है, गुची इस प्रकार है, मटकी है, ओके भगोरिया आपने सुना होगा जो मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है, जावरा है, नौराता करके एक है, ठीक है, और चटकारा है, ओके ग्रिड करके है। और राजस्थान की अगर बात करें हम, तो राजस्थान का जो है अभी बात करी हमने यहाँ पर घूमर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कौरी यहाँ पर डांस होता है कुछ राजस्थान में, ठीक है, ओके घूमर होता है, ठीक है, तेहर ताली इस प्रकार का होता है, तेहर ताली होता है, ठीक है, अग्नि डांस होता है, और कठपुतली डांस, ठीक है, यहाँ कठपुतली डांस होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ओके। तो ये कठपुतली डांस होता है, और कालबिलिए जो एग्जाम से, कठपुतली और कालबिलिए जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं, तो ये राजस्थान के हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। गुजरात का आपको दांडिया याद रखना है, तो दांडिया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में गिद्दा जो है होता है, तो वहाँ पर आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने डांस होता है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है हमारे लिए वो बनेगा, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, ये है, तो निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान लाया गया। जागो ग्राहक जागो लागो अभियान जो था वो जो लाया गया था वो 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे यहाँ आया था, ठीक है। जो संरक्षण नियम था वो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई थी 1986 में, ओके। तो ये जो है एक्चुअल में, और इसमें एक और बता दूँ, देखिए जाओ ग्राहक जाओ या फिर कहें उपभोक्ता जो है हमारे लिए, उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जाता है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है, भारत के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, ओके ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है। तो हमसे पूछा क्या है कि इसके संस्थान कौन से संस्थान ने इसके द्वारा जो है इसकी जागरूकता अभियान चलाया था, तो ये है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ठीक है, यानी वायदा बाजार आयोग, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम में ये आता है और थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेवी यहाँ पर जो है वो सेवी अलग चीज़ है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्शन भारतीय प्रतिभूत, ठीक है, विनिमय बोर्ड यानी कि वो शेयर मार्केट को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सागरी के खाद्यान्न संरक्षण, ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ओके। हम बात करें जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, इसमें क्या करते हैं, भारत को जो बाज़ार होता है, ठीक है, भारत का माल बाज़ार एक्चुअल में जो होता है उसका विनिमय जो है नियामक करता है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट कैसा है नियामक करता है, और इसकी स्थापना जो की गई थी इस फॉरवर्ड मार्केट की, तो वो की गई थी 1953 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपसे आपको आना चाहिए, प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को किस वर्ष आयोजित किया गया। तो देखिए इंडिया 1947 में जो है आज़ाद हुआ, उसके 1951 में जो है हमारा जो है संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है, और उसी के बाद 1901 से लेकर 1992 तक जो है जवाहरलाल नेहरू जो है जीते, कांग्रेस पार्टी जो है जीती थी, तो इतना जो है इलेक्शन चला था इतने टाइम तक।
तो ये फर्स्ट जो इलेक्शन चला था वो चला था 24, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एक्चुअली 24 नहीं, 25 अक्टूबर से चला था, ठीक है, 25 अक्टूबर 1951 से, कब से, 1951 से चला, ओके। और कब तक चला, ये चला था 21 फेब, ठीक है, 21 फेब तक चला, और कब तक चला, 1952 तक, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक ये चला था, ओके। पहला ऐसा कोई जो है ऐसा देश था इतना बड़ा जो है इन्होंने जो है इतना बड़ा कुछ जो है इलेक्शन करा रहे थे, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं भी नहीं थी उस टाइम, लेकिन फिर भी इलेक्शन कराया था, ठीक है, ओके। और लगभग 1100 किलोमीटर की समथिंग जो है पैदल यात्रा की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट बोर्ड जो डाला था, अगर आपसे पूछा जाए, तो बोर्ड डाला था हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील है वहाँ से डाला था 25 अक्टूबर 1951 को, ठीक है, पहला वोट। अगर हम बात करें भाई कांग्रेस कौन जीता, तो कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस ने जीते थे 44 जो है परसेंटेज से ज़्यादा जो है 44.99%, ठीक है, ओके, यानी 45% जो है लगभग इन्होंने जो है वोट जीते थे कांग्रेस में, और जो है जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर जीत गए थे। अगर दूसरी पार्टी दूसरे नंबर की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने 16 सीटें जीती थी, और इन्होंने जो जीती थी 300 कांग्रेस ने जीती थी 364, ठीक है, ओके, 364 सीटें जीती थी, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो है एक और पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, जिसने 12 सीटें जीती थी, ठीक है, तो यहाँ रखिएगा ये चीज़, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया। इसके बाद देखेंगे भाई मध्य प्रदेश में सरोज शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, कौन सा जो है वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, सरोज जो है क्षेत्रफल है, मतलब सरोज जो शहर जो है, सरोंज शहर है, सॉरी, ठीक है। देखिए पहली बता दूं, भारत जो है उसने जो है जोन होते हैं, जोन जो भूकंप आते हैं, अर्थक्यूक आते हैं, तो उनको चार भागों में बांटा हुआ है, सेकेंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन और फिफ्थ जोन, ठीक है। इनकी एक रेक्टर स्केल होती है, रेक्टर स्केल जो है वो मध्य प्रदेश के एक्चुअल में क्या है, मध्य प्रदेश की एक्चुअल में ये है 6 mm, ठीक है 6 mm जो है लगभग इनकी जो है रेक्टर स्केल है मध्य प्रदेश की, जो कि काफ़ी कम है या इससे कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आती किस पर, ये आती है जोन नंबर 2 में, कहाँ पर आती है, जोन नंबर 2 में, और जोन नंबर 2 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। कुछ इलाके हैं, थोड़े बहुत ही इलाके हैं वो जो 3 में आते हैं, तो 3 में जो है आपको ऑप्शन नहीं लगाना है, क्योंकि MP के हिसाब से वो 3 नहीं है, ऑलमोस्ट 2 ही है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है 2, क्षेत्र 2 आएगा, ठीक है। तो अगर बात करें, अब मैंने बता ही दिया पहले, तो जो जोन होता है 2 जो जोन है वो कम तीव्रता वाला होता है, जोन 3 जो होता है भारत के नियामक के हिसाब से मध्यम भूकंप वाला क्षेत्र होता है, चौथा जोन जो है वो गंभीर वाला होता है, पाँचवा जो होता है श्रेणी में रखा गया, बहुत गंभीर श्रेणी में रखा गया, ठीक है, ओके। बहुत गंभीर वाली श्रेणी में बता दूं, देखिए अभी जो है हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर आते हैं, जो पर्वतीय और हिमालय वाले क्षेत्र हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, इधर जो बिहार या नीचे इस साइड हुआ, ठीक है, नेपाल के साइड हुआ, जितने भी सारे जो यहाँ पर हैं जो हिल्स स्टेशन हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है भूकंप की जो है संभावनाएँ होती हैं, ठीक है, यूपी के और कुछ गुजरात के इलाके भी वहाँ पर आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ, तो ये आपको बताना है, कमेंट करना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए मध्य प्रदेश जो है आपको बताना है, कमेंट करना है, ये जो है कहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो इसमें इनका जन्म जो हुआ वो दमोह में हुआ, कहाँ हुआ, दमोह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, भारत के निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो ये पहला रेलवे स्टेशन भारत में ही है, सॉरी भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो है MP में है, और MP में कहाँ है बहुत इंपॉर्टेंट है, और MP की राजधानी में है, और राजधानी में कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो खजुराहो तो नहीं है, खजुराहो तो मतलब भोपाल में तो है नहीं, ठीक है, तो गणेशगंज है, इटारसी है, या हबीबगंज है, तो हबीबगंज यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो PPP द्वारा जो है अधिकृत कर दिया गया है, ठीक।
ठीक है। इसका ट्रिपल पी का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। ये पहला भारत का पहला कहें, मध्य प्रदेश का ही पहला कहें तो रेलवे स्टेशन भारत का पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हबीबगंज, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप जो है वो कहाँ है। तो जापानी औद्योगिक टाउनशिप जो है वो पीतमपुर में है। पीतमपुर कहाँ है, आपका इंदौर के पास में ये पड़ता है, ठीक है, ओके। अगला पढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कितनी राष्ट्रीय योजनाएँ अब तक प्रस्तावित की गई हैं भारत में जो है। अब यहाँ पर कहें हाउ मैनी नेशनल एनुअल प्लान हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज फार, ठीक है, तो ये की गई हैं अभी तक, कितनी की गई हैं, ये की गई हैं अभी तक 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, क्या क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरा देवी अभ्यारण्य है। नौरा देवी अभ्यारण्य कहाँ है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए नौरा देवी अभ्यारण्य क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है 4 जिलों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। तो 4 जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो रायसेन है, नरसिंहपुर है, दमोह है और सागर है, ठीक है। तो यहाँ पर सागर ऑप्शन में आ रहा है, तो बिल्कुल आप ऑप्शन सागर लगा सकते हैं, सागर हमारा सही होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स इससे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी आती हैं, नौरा देवी जो है सागर में है और ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, ठीक है। और प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य की बात करें तो ये छोटा अभ्यारण्य आता है राला मंडल जो है सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। और वो कहाँ पर है, वो इंदौर में है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें और भी आगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, तो चंबल जो है अभ्यारण्य जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी हमारे यहाँ है, तो ये चंबल एरिया में है, ठीक है। तो ये जो है किस लिए फेमस है, घड़ियालों के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए घड़ियालों और किसके लिए, घड़ियालों और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अगर बात करें नौरा देवी अभ्यारण्य जो है एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो 4 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने नाम बताया दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन और सागर, इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहां पर आयोजित की गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और कहां पर आयोजित की गई आप जानते हैं, ओके, ऑप्शन होगा इंदौर में, ठीक है, मुंबई, मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को, तो इंदौर में ही इसकी समिट हुई थी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे की साथ के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, कठिन क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स एक्चुअल में हमारे यहाँ पर एक और साड़ी होती है, साड़ी का नाम आपको पता, देखिए बहुत फेमस साड़ी है, ठीक है। तो चंदेरी की साड़ियाँ भी जो होती हैं बहुत फेमस हैं, ठीक है, चंदेरी की साड़ियाँ हमारे एमपी की जो साड़ियाँ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है चंदेरी में। तो ये चंदेरी की पहाड़ी साड़ियाँ भी कहें तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, और महेश्वरी साड़ी एक होती है, महेश्वरी साड़ी। तो ये महेश्वरी साड़ी एक्चुअल में क्यों है, क्योंकि ये जो है इन्होंने जो है रानी होलकर बाई ने जो है, यानी कि इंदौर की रानी थी, ठीक है, इंदौर में जो है होलकर पूरा होलकर का शासन था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, महेश्वर नाम की साड़ी जो है इनका जो है उद्योग जो था वो चलाया था, ठीक है, ओके। तो ये उद्योग जो है वो पहले क्या होता था, रेशम और सूती धागे इसमें बुने जाते थे, लेकिन उसमें कुछ अच्छा और करने के लिए होलकर बाई ने क्या किया, इसमें चांदी और सोने के जो है चांदी और सोने के जो ताज जो होते हैं धागों से भी इसमें सिलाई करना चालू कर दिया, यानी कि बहुत ही गुणवत्ता वाले कपड़े या कहें साड़ियाँ बनानी चालू कर दी, ठीक है। तो ठीक है, तो महेश्वर जो साड़ी हैं उन्होंने क्या कहा, सन 1767 में एक कुटीर उद्योग जो है चालू किया था, ठीक है, जिसमें चांदी जो है चांदी से बने या सोने से बने या रेशम से बने धागों से साड़ी बनी जाती थी, और उस साड़ी को कहा जाता था महेश्वरी साड़ी, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, देखिए और इसमें इसका संरक्षण करने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई, इसका संरक्षण किसका, महेश्वरी साड़ी का संरक्षण करने के लिए, इस दुख के संरक्षण करने के लिए रेवा सोसाइटी, ठीक है। तो रेवा सोसाइटी महेश्वरी साड़ियों की परंपरा और जात जो जीवित रखने के लिए और उसकी कला को बनाए रखने के लिए इंदौर के जो इंदौर राज्य के अंतिम शासक जो थे, यानी कि कौन थे, महाराज यशवंत राव होलकर, शासक अंतिम शासक कौन थे, महाराज यशवंत राव होलकर, आपको ध्यान रखना है। और इनके एक पुत्र, इनके लौते पुत्र, इनका नाम था युवराज, ठीक है, रिचर्ड,
क्या नाम था, युवराज ने जो है रेवा नाम की सोसाइटी जो है, कौन सी सोसाइटी, रेवा, रेवा सोसाइटी, ठीक है, रेवा सोसाइटी नाम का जो है संस्था स्थापित की, किसके लिए, इसके संरक्षण के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे आ भी जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर पूछा है मध्य प्रदेश में 2018 में वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रहने वाले जो है शहर का नाम बताना है। तो बहुत सिंपल मैं कहूँगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए आपसे पूछा गया था कि पहला स्थान किसका था, इंदौर का, ठीक है, पहला स्थान किसका है, इंदौर का, ठीक है, ये आप जानते होंगे कि इंदौर का पहला स्थान है, ओके। दूसरा स्थान किसका है ये आपको बताना है, कमेंट करना है, जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा, दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान बताइए, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्वेश्चन कमेंट करिएगा, दूसरा स्थान किसका है। दूसरा स्थान बहुत सिंपल है, यहाँ पर आना चाहिए ऑप्शन, मुझे ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में दिखा देता हूँ, अब आपको पता होगा यहाँ पर भोपाल आ गया ऑप्शन में, तो आप बता दीजिए, ये छठवें, ये जो है आठवें नंबर पे आया था, ठीक है, ऑल इंडिया में अभी, ओके, पिछले चार सालों से नंबर वन पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन भोपाल, जो कि सेकंड नंबर पे आया, भोपाल भी दो बार जो है श्रेणी में आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं, चलिए आंसर दीजिएगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये सतूर के उस्ताद हैं, ठीक है, सतूर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपके लिए, ये है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिएगा, जहाँ पर आंसर बहुत सिंपल है, एग्जाम होगा दूधराज, ठीक है, सुल्तान बुलबुल, ठीक है, या सुल्तान बुलबुल कहते हैं से, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एशियाई प्राइडाइज फ्लाई फ्लाई कल्चर, ठीक है, फ्लाई कल्चर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है, ऑप्शन नंबर वन जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए, निम्नलिखित में से, यानी कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही प्रजाति पाई जाती है, तो यहाँ पर ये जो है ये रेप्टाइल होता है, ठीक, कछुआ जो है रेप्टाइल होता है, तो ये जियोकेलॉन एलिंसेंस करके जो है इनकी जो है प्रजाति पाई जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 19वां नंबर का, तो 19वां नंबर का क्वेश्चन क्या है ये यहाँ पर हमारे लिए, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कुछ भी निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है, ओके, तो यदि आंसर दीजिएगा कमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए, चलिए आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा सेकेंड, यहाँ पर है पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि केंद्रीय कटाई उपरांत अभियंत्रिका एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियां के तलछट से बनी है, नदियों की तलछट से बनी है एवं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फॉस्फोरस कम होता है, पोटास अधिक लेकिन फॉस्फोरस कम होता है, और मध्य प्रदेश की नदी मध्य प्रदेश में ये 33% पाई जाती है, 33% जो है ये पाई जाती है, और ये कौन सी मिट्टी है, तो ये मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। मध्य प्रदेश में बहुत सारी काली, देखिए सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, लगभग 40% ठीक है, 47% पाई जाती है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है, ओके। तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे मध्य प्रदेश में, काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ओके, और जलोढ़ मिट्टी जो है ऊपर के हिस्से में भी पाई जाती है, ओके, जहाँ पर जो है गंगा का रिसाव होता है या गंगा जहाँ जहाँ जाती है, तो ये काली मिट्टी यहाँ होती है, काली मिट्टी वहाँ वहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, देखिए तो काली मिट्टी, देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पहली काली, दूसरी लाल पीली, जलोढ़, कछारी और मिश्रित, यानी कि पांच मिट्टियाँ हमारे एमपी में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है 47% काली मिट्टी, ओके। उसका पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान आपको याद रखना है, एग्जाम में आ चुका है 7.5 से लेकर 8.5 तक, ठीक है, ओके।
तो ये याद रखना है आपको। और उसके बाद जो है पाई जाती है कौन सी, फिर उसके बाद पाई जाती है जो है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी जो पाई जाती है वो 33% पाई जाती है। कितनी? 33%। इसका पीएच मान जो होता है 5.5 से लेकर 8.5 तक, ठीक है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद हमारे यहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी 3%, मैंने 33 बोल दिया सॉरी, वो 3% है, ठीक है। 33% तो आपको जो है जो लाल पीली मिट्टी मिलेगी, ठीक है। और एक और मिलती है कछारी मिट्टी। तो कछारी मिट्टी जो है बहुत कम मिलती है। और यहाँ पर एक और मिलती है मिश्रित मिट्टी। कौन सी? मिश्रित मिट्टी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, जो कि फॉस्फोरस इसमें कम पाया जाता है, पोटास जो है अधिक पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी ये मिट्टी पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आई थिंक ये वीडियो में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बताए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।